सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम। मेरा नाम येशुदास और मैं फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ और मैं बेसिकली बिलोंग्स टू केरला और अभी दिल्ली में सेटल्ड हूँ। सर ये बात करें मूवी का, अनुमित करना चाहेंगे कौन सी मूवी है, क्या है, स्टार कास्ट क्या है? हाँ मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, 30 मिनट्स करके मूवी का नाम है, मूवी का नाम 30 मिनट्स है, मूवी है 2 घंटे की। उसके बारे में, उसके कास्ट जो हितेन पेंटल इसका मेन हीरो है और पेंटल साहब हैं और ऋषिता भट्ट है, हेमंत पांडे, मुकेश भट्ट है, राणा जंग बहादुर और आइटम सॉन्ग PS अंदर यस एन का है। सर किस तरह की स्टोरी है ये? बेसिकली ये पिक्चर हम बात कर रहे हैं पंचुअलिटी के ऊपर है, अराउंड द स्टोरी बेसिकली पंचुअलिटी के ऊपर आधारित है। इसमें इसमें कहानी ये है कि जो बचपन में हम लोग पंचुअलिटी के लिए जो एक फादर एक बच्चे को टॉर्चर करता है करा जाता है, उसके बाद वो बड़ा होने के बाद उसकी लाइफ उस टॉर्चर के आघात से वो पूरी लाइफ अब उसको डिस्टर्ब होता है, पूरे सब कुछ वो ख़त्म उसको खो जाता है। उसके बाद वो उस सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वो अपने आप एक गेम बनाता है 30 मिनट्स। वो गेम बहुत डेंजरस और बहुत रोमांचक, आप लोग बहुत थ्रिलिंग है, वो है फिल्म। वो फिल्म देखने के बाद आपको मिलेगा ये क्या है। और ये जरूर कहूँगा ये पिक्चर देखने के बाद पंचुअलिटी में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते थे, ये यार पेरेंट्स को या बच्चे को और एम्प्लॉयर हर जगह पे लोगों को ये चीज़ देखना चाहिए, उनको एक प्रॉपर एक मैसेज मिलेगा हमें आगे क्या करना चाहिए थे, हम या क्या करते थे। आजकल जो स्टोरी आ रही है ऐसे काउंटिंग के ऊपर है, 7 hours to go and 30 minutes, इस तरह की है स्टोरी, काफ़ी एक मेल जोल खाती स्टोरीज आए हैं। नहीं इसमें अभी आप इसको देखोगे इसमें किसी का कहानी का उसमें रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये एक पंचुअलिटी के ऊपर है इसमें, क्योंकि 30 मिनट्स टाइम जरूर है लेकिन ये कनेक्टेड, ये पंचुअलिटी के ऊपर कनेक्टेड है। ये हितेन को लेने का खास रीज़न, हितेन को लेने का कोई ऐसे कोई खास रीज़न ऐसा नहीं कि मेरा जो कैरेक्टर है, जो मैं ड्रीम करते थे, जो स्टोरी मैं बनाते थे, मेरा दिमाग में कैरेक्टर जो बैठता था, जो मेरे कहानी में जो फिट बैठते थे, वो मैं ऐसे एक आर्टिस्ट को कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे। तो नॉर्मली जो भी पिक्चर बनाते हैं उनके दिमाग में पहले ये कैरेक्टर बैठता है कि किस तरह के कैरेक्टर होना चाहिए, तो उस लेवल पर मैंने जब हितेन जी को जब देखा तो मेरे को लगता है कि मैं जो ड्रीम कर रहे थे वो कैरेक्टर बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे नज़र आ रहे थे उसमें। और चांस की बात है उनके फादर को भी जब देखा तो पेंडल साहब के बेटा है, तो एक कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी बनी थी, उसके बाद मुझे कोई ऑप्शन लगा ही नहीं कि जरूरत लगेगा कि कोई और ऑप्शन है, मतलब वो ये बेस्ट था और वो जस्टिफाई आप पिक्चर देखने के बाद आपको भी लगेगा ये पिक्चर एक्चुअली उन्हीं के लिए बनी है ऐसा लगेगा। बाप बेटा दोनों को एक साथ फिल्म में लेना क्या स्टोरी की मजबूरी थी या फिर हाँ ये स्टोरी का स्टोरी ऐसे ही थी, इसके अंदर एक बाप बेटे की कहानी थी और वो रियल में भी फादर बेटा होता तो और मजा आ गया उसमें देख करने में। कितनी अच्छी केमिस्ट्री है कि बाप बेटा साथ में है, आपको समझाना नहीं पड़ा कुछ चीज़ें उसके बारे। मतलब पेंडल साहब का तो हम लोग तो बचपन से उनको देख के आ रहे हैं कि उनको तो कुछ समझाने की बात ही नहीं है, वो इतनी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है पेंडल साहब, उतनी गुण और उन्होंने हितेन जी के अंदर भी है, उसमें आप इसको उनको परफॉर्मेंस देखोगे तो आप खुद ही बोल पड़ेंगे कि ये अल्टीमेट है। मतलब उनका पोस्टर को काफी शॉर्ट में लिया गया है, एक ही पिक्चर है जो बयां करती है पूरी स्टोरी, क्या है पोस्टर को लिखते हैं? पोस्टर के अंदर हम इसका कहना चाहते हैं नॉर्मली क्या कि कोई भी व्यक्ति है उसकी जो 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 कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, वो बड़ा होती है, बड़ा होता तो उसकी जो जो पर्सनालिटी है, उसकी जो बचपन में जो उसकी जो परवरिश हुई है, वो पर्सनालिटी उसके बड़ा होने के बाद झलक दिखती है, क्योंकि जो जैसे आपको पढ़ाया जाता है, जैसे उसको सिखाया जाता है, तो किसके साथ आपने रहा, किसके साथ आपने सीखा, वही पर्सनालिटी हमेशा हो एक कैरेक्टर के अंदर जो बड़ा होते हैं, तो वो उसके कैरेक्टर उसके उसको आपको दिखते हैं, उस कैरेक्टर देखने के बाद आपको लगेगा कि आप देखो एक अच्छी संगत में आप पढ़ोगे तो आपका कैरेक्टर भी आप ऐसे बनोगे ना। तो ये जो फीचर से ये पोस्टर से हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो ये बताते हैं कि जो हितेन जी है वो उसको जो नज़र है वो उसको जो नज़र है ना वो अपने फादर के नज़रिया से देखते हैं, वो उनको जो बचपन में जो परवरिश मिले वो नज़रिया वो बड़ा होने के बाद वो अपने फादर के नज़रिया से दुनिया को देखता है, ये है पोस्टर के अंदर। ये हम इस पोस्टर के जरिए भी एक बहुत सॉलिड मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सर। विजुअल ले लो पोस्टर से उठा, फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने लेफ्ट में जाओ। पश्चिम पीरागढ़ी। हाँ